जो ये हाल तेरा है वो हाल मेरा है, कुछ भी समझ ना आए प्यार कैसा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल मिश्रा YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग फरमानी नाच का नाम तो सुना होगा सोशल मीडिया पर यानी कि यूट्यूब पर, क्योंकि दोस्तों उनके गाने जो है आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, जिनको यूट्यूब के जो यूजर्स हैं सोशल मीडिया के उनको काफ़ी ज़्यादा उनके गाने को पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं फरमानी नाच को लेकर कुछ बातें जो है बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि फरमानी नाच मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक गरीब महिला थी, जिनकी पारिवारिक स्थिति दोस्तों काफ़ी जो है अच्छी नहीं थी। दोस्तों, फरमानी नाथ जो है एक मिडिल क्लास की यानी कि गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाली थी, लेकिन दोस्तों उनका जो जुनून था, एक जो उनका लक्ष्य था कि एक बार वो बॉलीवुड में जाकर गाएं, मतलब एक बड़े मंच पर गाएं, जैसा कि कुमार सानू के साथ अभी बॉलीवुड में उनका एक गाना रिकॉर्ड हुआ जिसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया फरमानी नाथ ने, काफ़ी अच्छा गाया, जिससे जो है जितने भी फैन थे उनका दिल जो है उन्होंने जीत लिया, क्योंकि जितने भी उनके फैंस थे उनको काफ़ी अच्छा ये गाना लगा, वो काफ़ी पसंद किया और उनके जो है हिसाब से उनको पॉजिटिव कमेंट भी की। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो है कुमार सानू के जी के साथ जो है फरमानी नाच ने एक गाना गाया और उसमें काफ़ी अच्छा जो है उन्होंने गाया, जिससे कुमार सानू भी खुश हुए। लेकिन दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो कोई किसी भी चीज़ को वो दोस्तों पा सकता है, चाहे जितनी भी बड़ी चीज़ हो इंसान अगर चाहे तो पा सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने कुछ समय पहले रानू मंडल को देखा, क्या रानू मंडल ने दोस्तों कभी नहीं सोचा होगा कि मैं बॉलीवुड में जा पाऊंगी। बॉलीवुड की बात छोड़िए, वो उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं एक छोटे मोटे मंच पर गाऊंगी। लेकिन फरमानी नाच के अंदर एक टैलेंट था, एक आवाज़ में उनकी ऐसा जादू था जिससे जो वो है आज बॉलीवुड में सक्सेस पा गई। दोस्तों, इंसान चाहे हर एक चीज़ को पा सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है अगर इंसान जो है चाह जाए। तो फरमानी नाच का एक लक्ष्य और जुनून था कि वो एक बार बॉलीवुड में गाएं। तो आप लोगों ने देखा कि फरमानी नाच ने काफ़ी मेहनत कर रही थी जो है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने भी गा रही थी और उनके अंदर एक टैलेंट भी था जिससे दोस्तों उनको आज बॉलीवुड में मौका मिल गया। दोस्तों, इंसान अगर चाहे तो हर एक चीज़ को पा सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि फरमानी नाच के जो गाने हैं वो आप सभी लोगों को पसंद आते होंगे। तो पसंद आते होंगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि दोस्तों इस पर जो है फरमानी नाच से रिलेटेड हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी को वीडियो देखने को